अबे मेंशन तो कर दो फ्रेंचाइजी है तो पागल गाइस गाड़ी पूरी फुल कर दी है फिर से। एक दिन खाली होती है एक दिन पूरी भर जाती है फिर से पूरी फुल हो चुकी है। ये बड़ी आफत है भाई। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका साल के आखिरी दिन ऑल इंडिया टूर के डे 7 पर। जी हाँ गाइस, आज है 31 दिसंबर और आज हमारा प्लान है वहाँ जाने का जहाँ मम्मी बार बार बोल रही मुझे ले चल। कहाँ पे जा रहे हैं हम? उदयपुर। यस, और हमारा प्लान तो था वैसे 1 जनवरी को जाने का मगर हमने कोटा स्किप कर दिया था इसलिए आज भी हमारा उदयपुर हो गया। तो 4 दिन उदयपुर। चलो बाय भैया। ओके, और आना सर। बिल्कुल बिल्कुल। और यार एक बात ध्यान रखना, अगर आप ऐसी किसी ट्रिप पे हो ना रोड ट्रिप पे तो टायर लॉक जरूर लेके चलना। और ये भी ध्यान रखना कि निकालना भी होता है क्योंकि अभी मैं सीधा गाड़ी बैठ के निकालने वाला था और ध्यान नहीं दिया, टायर लॉक भी तो लगा है वरना हो जाता काम अपना। तो यहाँ से उदयपुर है खाली 110 किलोमीटर, 1 hour 40 minutes। मम्मी क्या मजे आएंगे आपको उदयपुर जाने में? रूम मम्मी इसलिए बोल रही है क्योंकि आज है 31st और हमने रूम बुकिंग कुछ कराई नहीं है क्योंकि हमारी रूम बुकिंग थी 3 दिन के लिए, 1st, 2nd, 3rd, और 31st के लिए कुछ नहीं था जो कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। और अभी जाके हमें रूम देखना पड़ेगा यार, बस मिल जाए कहीं ना कहीं। बहुत भीड़ है वैसे भी उदयपुर में। तो इसी के साथ स्टार्ट होता है हमारा रिडल टाइम। रिडल तो नहीं, आज एक क्वेश्चन है। अब बताओ, एक रेस चल रही है, मैं हूँ, मैंने सेकंड जो आ रहा है उसको मैंने क्रॉस कर दिया, अब मैं क्या आ रहा होऊंगा? अब तू सेकंड आ रहा होगा। अब दिमाग लगा लिया इस बार, बहुत लोग बोलेंगे फर्स्ट मगर नहीं भाई, सेकंड वाले को क्रॉस करे तो सेकंड ही आऊंगा ना। इस बार दिमाग लगा के आपने दिया पूरा आंसर। गुड गुड, आपने अब 6 में से 2 सही आंसर दे चुके हो। गाइस उदयपुर के पहाड़ शुरू हो चुके हैं, हालांकि अभी 10 किलोमीटर है यहाँ से उदयपुर। और उदयपुर हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं है ना? नहीं, पहले आए तो हैं। मौसी मौसा जी आए थे? सब तो आए थे, मुझे याद ही नहीं। उदयपुर और जैसलमेर गए थे, उदयपुर थोड़ी ना गए थे। हाँ लो, मम्मी पूरे कॉन्फिडेंस से बोल रही कि नहीं उदयपुर आए थे हम। बाहर नहीं आए थे उदयपुर यार। झीलों की नगरी आपका स्वागत करती है। उदयपुर को गाइस मैं आपको बता दूं सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है, इसलिए वो लोग कंपेयर करते हैं वेनिस से। और आज गाइस क्योंकि संडे है तो सारी मार्केट्स बंद रहती हैं यहाँ की उदयपुर की। वैसे तो अच्छी बात है कि सारी मार्केट्स बंद है क्योंकि ट्रैफिक बिल्कुल नहीं मिल रहा हमें। ये संडे को एक मार्केट खुली है यहाँ पे, हाथी पोल मार्केट, और बहुत ही पतली सी गली हो चुकी है अब। 7 मिनट दिखा रहा है यहाँ से जाना, यहाँ से तो यहाँ पे लगा दिया इन्होंने बैरिकेड, अब समझ नहीं आ रहा। अब यहाँ से बोल रहे हैं जाने को, अब रीरूट करेगा ये रास्ता। अरे यार ट्रैफिक हो गया है तो कैसे, क्या नंबर डालना है? फोन जल्दी बताओ, क्या कलर कैसे बनाना है? है छोटी बता नहीं रही, शर्मा नहीं अब, वीडियो बना रहा है वो। तो क्या हो गया कलर? हाँ कलर बताओ जल्दी, क्या बस उसको पेस्ट बनाना है बेटा, वो फिर देख लियो उस हिसाब से, जब वो करती रहेगी ना। पूरी रेसिपी तो बता दो पूरा ढंग से यार। कुछ आपको नॉलेज है कोई आसपास हो यहाँ पे? तो गाइस रूम फुल हो चुके हैं और भैया ने थोड़ा ना डीमोटिवेट कर दिया। भैया बोल रहे हैं कि यहाँ पे तो आपको कहीं भी रूम नहीं मिलेंगे, मम्मी मेरी बात लगा देंगी। गाइस हमें जाना तो यहाँ पे था गंगोर घाट की तरफ, यहाँ पे रूम देखने, मगर क्या नहीं रूम है यहाँ पे, आगे मिलेंगे? हाँ रूम मिल पाएंगे आगे? नहीं मिलेंगे। चलो भाई, भैया तो बोल रहे हैं फुल होगा मगर हम फिर भी हार नहीं मानते, हम आगे जाके देखते हैं कोई ना कोई तो मिल जाए बस। चलो ऑटो। ये उदयपुर की पतली पतली गलियां स्टार्ट हो चुकी हैं। जाना सीधा था, बैरिकेड लग गया, बोल रहे हैं इधर से जाओ। यहाँ पे अभी हमें देखा कोई ब्लू जे रिजॉर्ट, यहाँ चलते हैं पहले गाड़ी खड़ी करें। गाड़ी खड़ी करने की जगह भी नहीं है यहाँ पे, तो शांति में तो आए कम से कम हम। रूम है? नहीं। बिल्कुल नहीं है यार। तो भाई लोग गाड़ी हमने यहाँ पे खड़ी कर दी है, कम से कम पार्किंग तो यहाँ पे मिली। फटाफट देख के आते हैं हॉस्टल का क्या सीन है भाई, पैदल जा रहे हैं,
एक किलोमीटर और देख के आते हैं कि कहाँ पे है हॉस्टल यार, पार्किंग है भी है नहीं है, बुकिंग तो मैंने करा दी है। क्या हुआ भाई, तो हालत टाइट है। गाइस यहाँ से गाड़ी नहीं जा सकती, यहाँ से गाड़ी अलाउड नहीं, ऑटोज अलाउड है। तो गाइस ये देख लो, ये है हॉस्टलर और पार्किंग नहीं है। कंफ्यूजन ये हो गई है कि यहाँ पे है दो हॉस्टलर, एक ये है और एक है पार्किंग वाला। तो हम वापस से वहाँ जा रहे हैं 2 किलोमीटर दूर। भाई बड़ी कंफ्यूजन है यहाँ पे तो यार। चल पड़े हम वापस और थक गए चल चल के। सही में फटाफट जगह है भाई, बहुत कंफ्यूजन है उदयपुर में, सही में पता ही नहीं लग पा रहा है होटल है कहाँ पे जो हमने बुक कराया कल के लिए। हम सोच रहे कि जो कल बुक कराया है आज जाके पता करते कि आज वहाँ पे है अवेलेबिलिटी या नहीं है, क्योंकि मेक माई ट्रिप पे तो नहीं दिखा रहा। 3-4 बार क्रॉस कर चुके हैं भाई हम ये सेम स्पॉट, हद हो गई है। मेरा दिमाग चलना बंद हो चुका है गाइस, अब 3 बज चुके हैं और भूख भी लग रही है, और भूख जब लगती है तो दिमाग भी चलना बंद हो जाता है, सब कुछ ही बंद हो जाता है यार। अब बस फटाफट ये हॉस्टलर मिले, मेरा दिमाग खराब कर दिया। बागलो ने लोकेशन डाल रखी है यहाँ अंदर की, जहाँ गाड़ी भी नहीं जा सकती। मैं देख के लगे भाई 3 दिन की बुकिंग है, पार्किंग ही नहीं है। बोल रहे नहीं नहीं सॉरी सर, वो तो अलग है, जो आपने बुक कराया वो अलग है, वो दी आर्टिस्ट हाउस है। अब दी आर्टिस्ट हाउस चलो यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर, वो भी हॉस्टलर है, ब्रांच है, फ्रेंचाइजी है। अब मेंशन तो कर दो फ्रेंचाइजी है तो। पागल भाई, फाइनली ये रहा द हॉस्टलर, ये वाले में जाना था हमें, हम भटक रहे हैं। ये देखो इतनी इतना साफ सा मेन रोड पे था, दिमाग खराब कर दिया हमारा, हद हो गई। इतना बढ़िया पार्किंग बनी हुई है यहाँ पे अंदर, द आर्टिस्ट हाउस। वेदांत के नाम से बुकिंग होगी, वेदांत कल परसों तो फर्स्ट सेकंड थर्ड की होगी। आज की है सर आपकी बुकिंग? कल परसों दसों की है, मगर आज में बुक कराना है, आज कोई अवेलेबिलिटी है? कुछ समझ नहीं आ रहा, अब तो यहाँ पे लड़ाई झगड़े भी चल रहे हैं बहुत, क्या करें, कुछ कर दे, कहीं यहाँ मिलता है ले, कहीं खाना तो खा ले। अभी हम रुके हैं, अभी कुछ खाने का, तेज भूख लग रही है, भूख के कारण सर दर्द भी हो चुका है, दिमाग चलना तो पहले बंद हो चुका था, अपडेट हो चुका है। ये आ गई अपनी थाली, पापड़, ठीक है, दाल, आलू मटर, ये क्या है, कड़ी, ये कड़ी है, कड़ी, और ये अच्छा ये पनीर, 1, 2, 3, 4 रोटियां। चलो तो भाई फाइनली अपना बेड नसीब हो चुका है और बहुत थक गए हैं, टाइम हो गया है 4:30। हमें लगा नहीं था कि आज हमें होटल मिल पाएगा जिस तरह की सी भीड़ थी यहाँ पे, मगर शुक्र है मिल चुका है। 1:31 के चक्कर में हालत टाइट हो गई हमारी। खुश हो? हाँ हाँ। अनुपमा शुरू हो जाए? हाँ जा ही नहीं रहा। अनुपमा नहीं आया यार के चक्कर में शायद। हाँ हो सकते हैं। अब आपसे मिलते हैं थोड़े टाइम बाद गाइस, अभी बहुत थक गए हैं, कम से कम 2 घंटे तो सोना पड़ेगा। तो हाँ जी भाई लोग, अभी हम पावर नैप लेके थोड़ा सा निकले तो हैं, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, एक तो 31st है इसलिए, और पीक सीजन में आ चुके हैं। मार्केट का नाम है बापू बाजार। यहाँ पे एक शॉप देखिए मम्मी को बैग्स की, तो मम्मी बोल रही यहाँ पे ले चल पहले मेरे को। ये देख लो भाई, मम्मी को समझ नहीं आ रहा ये लें या वो लें, बड़ी कंफ्यूज हो रही है मम्मी। इतने सारे बैग्स मम्मी ने खुलवा लिए हैं मगर पसंद एक भी नहीं आ रहा है अभी तक। यहाँ पे तो बुरा हाल हो रखा है, 31st के चक्कर में हर जगह ट्रैफिक है भाई। यहाँ पे तो ब्रिज के उस तरफ राइट हैंड साइड है हनुमान घाट, लेफ्ट में गंगोर घाट। हाँ हाँ क्या व्यू है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं बगौर की हवेली तक, देख के आए जरा कितनी बड़ी लाइन है। अगर लाइन नहीं होगी तो हम टिकट ले लेंगे फटाफट लाइट शो देखने के लिए। सुपर ट्रैक क्लीनर्स भाई यहाँ पे हम आ चुके हैं और लाइन लंबी लगी हुई है।
भाई एक चिकन टिक्का रोल कर देना। हाँ जी भाई। तो हाँ जी गाइस, फाइनली ये डे एंड हो रहा है। बहुत ही टायरिंग डे था, मैं क्या बताऊँ आपको। और आप सोच रहे होंगे कि ये रूम की हालत चेंज कैसे हो गई। भाई थैंक्स टू मौसा जी, रहने का अरेंजमेंट करा दिया मौसा जी ने। क्या बात है, मजा आ गया। या मैं सोऊंगा, वाह मम्मी सोएंगी। और फिर से मम्मी ने पूरी रेल बना दी है, मगर बैग्स नहीं रुकेंगे अपने। थैंक यू मौसा जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। लाइट ऑन नहीं हो रही है, बस ये कोई बात नहीं, अंधेरा है। हाँ भाई कैसा लग रहा है, अब सुकून है? सुकून जन्नत में आ गए लग रहा है मुझे तो। 9 बज रहे हैं, बस 3 घंटे रह गए हैं, तो अभी एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर गाइस। अब बैठ के मैं एडिटिंग करूंगा। चलो गाइस, इसी बात पे हम व्लॉग एंड कर रहे हैं। अब हम चाय पियेंगे भाई, जन्नत नसीब होगी मम्मी को। सब कुछ यहाँ पे सामान पहले से पड़ा है, कुछ लाने की जरूरत नहीं है।